बड़ी ईद पर हर तरफ बड़े बड़े पकवान सज जाते हैं और आवाम की सारी त्वचा गोश्त खाने पर होती है। लेकिन ज्यादा गोश्त खाना जिस्मानी मसाइल का सबब भी बन सकता है। एक फर्द को दिन के 24 घंटों में कितना गोश्त खाना चाहिए और ज्यादा गोश्त खाने से कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं, ईद से पहले ये जरूर जान लें और एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। बड़ी ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त हर किसी को जल्द अज जल्द मजे मजे के पकवान बनाने और दावतें करने के जतन में मसरूफ रखता है। लेकिन आपको मालूम है कि इंसान को 24 घंटों में सिर्फ आधा पाव से एक पाव गोश्त ही खाना चाहिए, वरना आपको मुस्लिम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और ईद का मजा भी खराब हो सकता है। इस हवाले से क्लिनिकल डाइटिशियन का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त में चिकनाई ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर समेत दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को खास तौर पर एहतियात करनी है। ईद की शाम को या फिर दूसरे दिन अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, मैदे की तेजाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर लोगों को अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स का रुख करना पड़ता है। तो इसलिए आपने गोश्त का इस्तेमाल जो है वो एक मुनासिब मकदार से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बसियार खोरी आपको तकलीफ में मुब्तला कर सकती है। तिबी माहरीन का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त को अच्छी तरह साफ करना और अच्छी तरह पकाना भी नहायत ज़रूरी है।